हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भावसर। तो हम साबूदाना से स्टार्च बनाएंगे। अभी मैंने 200 ग्राम साबूदाना लिया है। उसको मैं सोकिंग करूँगा, ओवरनाइट सोकिंग करूँगा। एक रात भर उसको भीगने दूँगा और फिर उसको हम प्रिपेयर करेंगे। तो हमने पानी उबाल लेना है। पहले तो मैंने अच्छे से पानी उबाल लिया है। जो मैंने रात भर जिस साबूदाना को मैंने सोकिंग किया है उसको हम इसमें मिलाएंगे। मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब इसको अच्छी तरह से उबालना है हमें और चटकने नहीं देना है। अभी 10-15 मिनट अच्छे से उबालने के बाद हमारा स्टार्च रेडी हो जाएगा। अभी हमारा स्टार्च रेडी हो गया है। अब हम इसको छानेंगे। स्टार्च छानने के लिए हमें पॉलिस्टर कॉटन मिक्स, जो कपड़ा आता है पतला सा, ऐसे दो लेयर करने हैं हमें कपड़ों के, फिर ये स्टार्च हमें छानना है। साबूदाना का स्टार्च छानने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, जल्दी से छाने नहीं जाता है। आप इसको ठंडा करके भी बाद में छान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मुझे अभी जस्ट स्टार्च बनाना ही है। और आप ठंडा होने के बाद में भी इसको छान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छानने में आसानी होगी। इस तरह से जो बचा हुआ स्टार्च है हम इस तरह से छान लेंगे। और अगर आपको ये जो बचा हुआ साबूदाना जो होता है वो भी आपको उसका भी अगर स्टार्च बनाना है तो मिक्सर में निकाल सकते हैं आप, फिर उसके बाद में छान सकते हैं। यानी आपका इतना भी स्टार्च वेस्ट नहीं जाएगा। बट ये आप काले कलर के कपड़ों पे, डार्क कलर के कपड़ों पे यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके ऊपर स्टेन आ जाएगा। अगर ज़्यादा स्टिफ अगर आपका स्टार्च हुआ तो फिर उसको स्टेन आ सकते हैं कपड़ों में। तो इसीलिए हम थोड़ा सा पतला ही रखते हैं। जो साबूदाना है वो प्रॉपर हम इसमें मिलाएंगे नहीं। तो अभी हमारा स्टार्च बन के रेडी है।
जब हमारा स्टार्च बनता है तो थिक होता है, फिर हमें उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में वो पानी और मिलाना है, जिससे कि स्टार्च के जो स्टेन आते हैं, वाइट वाइट जो स्टेन आते हैं, वो कपड़ों पे आए नहीं। फिलहाल ये तो लाइट कलर का शर्ट है, इसमें अगर थिकनेस भी हम स्टार्च की यूज़ करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इससे नेक्स्ट जो मैं शर्ट करने वाला हूँ वो डार्क कलर का शर्ट है और उसमें लेनिन कॉटन का शर्ट है, तो इसमें बिल्कुल भी स्टेन नहीं आना चाहिए। अगर हमारा स्टार्च थिक होता है तो स्टेन आ सकते हैं, ऐसे स्टेन आ सकते हैं स्टार्च के। इसीलिए स्टार्च में थोड़ा सा मैक्सिमम पानी ऐड कीजिए, और बहुत ही ज़्यादा ब्लैक डार्क कलर के कपड़े हो तो उसमें थोड़ा लिक्विड ब्लू भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यही तक थी। आफ्टर फिनिशिंग भी आप देख सकते हो शर्ट किस तरह से हुए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल भी फ्री है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।